तो सेमिनार हो रहा था, तो मेरे मन में एक विचार आया, मैं उसको कहना भी चाहता था लेकिन कुछ ऐसा मौका नहीं मिल पाया। ज्यादा नहीं, मैं दो शब्द ये कहूंगा यहाँ पर कि हर अग्निहोत्र आचरणकर्ता को एक ऐसी जीवन पद्धति अपनाने की जरूरत है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं प्रचार कार्य के दौरान, घर वही है जहां अग्निहोत्र होता हो। तो यदि अग्निहोत्र आचरण का घर है, अर्थात जैसे भी अग्निहोत्र तो होता ही है, तभी वो अग्निहोत्र आचरण का घर है, लेकिन अग्निहोत्र आचरण को एक गाय अवश्य करके रखना चाहिए। शहर में रहने वाले गांव वालों को तो कोई समस्या नहीं है, तमाम जगह है, लेकिन शहर में रहने वालों के लिए एक अनायास प्रश्न उठता है कि हम कहां गाय रखें, हमारे पास तो जगह नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि अग्निहोत्र आचरण करता है, यदि अपना घर है उसका, तो एक गाय का कमरा उसी घर में हो। एक कमरा जैसे आपका ड्राइंग रूम है, डाइनिंग हॉल है, बेडरूम है, तो वहां एक गाय का भी कमरा होना चाहिए। मैंने तो मकान बनवाया हुआ कानपुर में, एक अग्निहोत्र का कक्ष है, और आप सब लोगों के घरों में जो अग्निहोत्र करते हैं, जैसे भी उनके यहाँ एक अग्निहोत्र करने का कक्ष होगा, उसी प्रकार से मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि एक गाय का भी घर हो अपने घर के अंदर, जहाँ आप एक गाय रख सकें। और दूसरी चीज बहुत अच्छी लगी जो मुझे, ये इसको ऐड करते हुए, कि छत का निर्माण जो करें घर में, तो इस तरह से करें कि छत पर अपनी खेती भी कर सके। यानी ये सोचा न पड़े कि पानी कैसे रिसेगा और हम कैसे गमले रखेंगे और वो छत सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बल्कि हम तो ये कहें हम त्रिमंजिला घर बनाते हैं, हम एक मंजिल बनाए, एक मंजिल अग्निहोत्र कृषि यानी छत की खेती के लिए सुरक्षित रखें। गाय नीचे होगी, हम जो भी आपके घर में प्रवेश करें, आप कार खड़ी करने की जगह रखते हैं, सब चीज रखते हैं, तो गाय गौशाला, अपनी गौशाला ना हो, एक गाय रखने की जगह हो, फिर ड्राइंग रूम आगे बढ़े तो एक अग्निहोत्र कक्ष होगा ही होगा, छत पर जाए तो सब्जी की खेती, कम से कम अपने खाने के लिए तो अग्निहोत्र आचरणकर्ताओं को ऐसा कार्य जरूर करना चाहिए। तो ये एक जीवन पद्धति होनी चाहिए हमारी, हमारे घर के अंदर। और दूसरा जीवन पद्धति की जो मुख्य बात है वो ये है कि हमारे जीवन में धर्म पाठ आधारित आचरण तो होना ही चाहिए। यानी हम सारी बातें करते हैं, हम वर्षों से अग्निहोत्र कर रहे हैं, सारा कुछ है, लेकिन हमारे आचरण में जो एकदम परिवर्तन न कह करके बल्कि एक दृष्टिगोचर होना चाहिए वाली व्यक्ति को, वो ये कि ये अग्निहोत्र करता है और इसका धर्म पाठ के आचरण के अनुसार आचरण भी है। यानी धर्म के जो साथ में जो कुछ भी अभी चर्चा हुई है, बताया गया है हम सब लोगों को कि जो जो बातें धर्म में अनपेक्षित हैं, नहीं होना चाहिए, उसका हम पालन करें, कोशिश करें, जिसके लिए हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल तो हमारी ऐसी है कि हर चीज उसमें हमने शामिल किया हुआ है। यदि हम वहाँ अग्निहोत्र आचरण करता है और साहब के अनुयायी हैं, तो वो हमारे आचरण में अवश्य दिखना चाहिए। दूसरी चीज, घर जहाँ पर है उसका मतलब है कि नित्य अग्निहोत्र हो रहा है, अग्निहोत्र कृषि हो रहा है, सुरक्षित भोजन हमें मिलना चाहिए ताकि सुरक्षित स्वास्थ्य भी हमारा रहे। ये मुख्य बात हमारे आचरण में, हमारे घर में, हमारे परिवार में यह होना ही चाहिए। और अब यह समय आ गया है, अब ये टालने का विषय नहीं है, क्योंकि हम तबाही के कगार पर खड़े हैं। आप देखें ना देखें, समझे ना समझे, अमेरिका, जापान, आप वो देखते हैं, बताने की बात नहीं है किस तरह से तबाही हो रही है और पर्यावरण किस प्रकार से ये दिखा रहा है सारी दुनिया के लोगों को कि अब वो संकट की घड़ी आ चुकी है, संकट की घड़ी आ चुकी है। और अब आप सबकी यह जिम्मेदारी बन गई है, खासकर के जो अग्निहोत्र आचरण करता है, और 30-30, 35-35, 40-40 हम कर रहे हैं, रोज नवयुवक तैयार हो रहे हैं, रोज अग्निहोत्र करने वाले तैयार हो रहे हैं, हम सबकी
अब यह जिम्मेदारी बन गई है कि ऐसे समय में हम सबका मार्गदर्शन करें, सबको सुरक्षित स्थान मिले, सबकी सुरक्षा हो सके, ऐसा उपाय करें। क्योंकि साहब की अपेक्षा हम सबसे यही है, हम कहते हैं प्रदूषण को दूर करना है, अग्निहोत्र से प्रदूषण दूर होगा। और अब प्रदूषण अब ऐसे ऐसी ऐसी स्थिति में आ गया है कि तबाही तबाह कर देगा संपूर्ण विश्व को। ऐसे में हम सबको, जो हम प्रत्येक साथ के सिपाही हैं, तो सिपाही को अब जुट जाना होगा संपूर्ण विश्व की सुरक्षा करने। दूसरी चीज मैं थोड़ा सा प्रचारकों के लिए कहूँगा, सहयोग की बात है। पिछले साल की शुरुआत हम लोगों ने प्रचार कार्य से किया और इसमें मिस्टर गंगवाल जी पति पत्नी, चावड़ा जी पति पत्नी और मैं था, और हमारे साथ किशन शर्मा एक प्रचारक के रूप में हमारे साथ सम्मिलित हुए थे, ड्राइवर के रूप में सम्मिलित नहीं हुए थे। हम लोगों ने तमाम राज्य जिसमें कि महाराष्ट्र भी है, ये तमिलनाडु है, केरला है, ये गुजरात है, राजस्थान है, इस तरह का हम लोगों ने क्षेत्र प्रचार के लिए चुना था। और प्रचार क्या किया हम लोगों ने, इंजॉय किया। प्रचारक को इंजॉय करना चाहिए, तब देखिए प्रचार में क्या हमारा क्या रहा कि हम लोगों में कोई गुजराती था, कोई मराठी भाषा जानता था, कोई हिंदी जानता था, अंग्रेजी हम सब लोग थोड़ा बहुत बोल लेते थे, कोई समस्या नहीं। चावड़ा जी की और गंगवाल जी की पत्नी भी थी, और इस प्रकार से लगता था हम लोग के खान पान भी अलग थे। गंगवाल जी को जैनियों का भोजन चाहिए था, हमको यूपी बिहार वाला भोजन चाहिए था, किसी को गुजराती भोजन चाहिए था, लेकिन सब एक ही खाना खाते थे और जिस किसी परिस्थिति में रहते थे बड़े प्रसन्न रहते थे। आपको बताएं, हम चूंकि थोड़ा सा उम्र में सबसे ज्यादा थे, तो मैं जब प्रचार से कहीं लौटता था तो पता चला कि आशा जी गंगवाल जी के विषय हमारे सारे कपड़े लगते धो धा करके और प्रेस करते रहते, मुझे मैं भावुक हो रहा हूँ। ये कहते हैं कि इतना ध्यान रखा जितना हमारे घर में हमारी बहू बहन रखती हो उतना ध्यान उन्होंने रखा। इसी प्रकार से हमारे साथ विडवे जी की विषय को मैंने अपनी बहन बना लिया, और आज भी हमारा मैं उसको संबोधित करता हूँ, इसलिए कि मैं छोटी बहन ही बना लिया। ये हमारा परिवार है, ये प्रचारकों का परिवार है, और अति आनंद रोज सत्संग होता था। एक मीटिंग में गुलबर्गा में एक मीटिंग हुई और 30 पात्र एकदम बिक गए, बहुत सारा साहित्य। ये बसवराज पाटिल जी का विद्यालय था और इतनी भीड़ थी कि बैठने की हाल बहुत बड़ा हाल था, वहां बैठने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। हम लोग बड़े खुश हो गए, बहुत आनंद में चर्चाएं करने लगे। हम टोकते थे लोगों को, जब ज्यादा आनंद आता था तो टोकते थे, थोड़ा कम आनंद आए क्योंकि आगे आने वाला समय ये दिखाएगा कि ये तकलीफ भी है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि एक भी पात्र नहीं जाता। तो प्रचारक को कैसे बहुत आनंद आ रहा है उसको भी थोड़ा रोको, और बहुत तकलीफ भी ना हो उसको भी देखो। तो ये बड़ा खुशमत हो, बड़ा सामान्य विद्या और आज नहीं का बड़ा दुखी हो गया, इन सबसे अलग हो करके प्रचारक को कैसे कार्य करना चाहिए, उस एक महीने के दौरान हम सब लोगों ने सीखा। वो भाखरी और बेसन खा करके जो देखना नहीं चाहते थे वो भी खाया हम लोगों ने, जो चावल वर्जित था वो भी खा। हमको गंगवाल जी का याद आ रहा है, कनेरी आश्रम में जो हम लोग गए, तो ये बेचारे शब्द तो नहीं मैं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि कोई प्रचारक बेचारा नहीं होता है, लेकिन ये दो भाकरी मांग रहे थे स्टार पर खड़े होकर के, एक भाकरी मेरे लिए मांग रहे थे और एक भाकरी अपने लिए मांग रहे थे, और देने वाला कहा भाकरी काम करने वालों को मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। हमें देख करके ये लगा वो प्रचारक को क्या क्या सहना पड़ता है, क्या क्या सहना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में प्रचारक खुश रहे, आनंद से रहे, ये हम लोगों ने इस एक महीने के प्रचार कार्य में देखा। आनंद से परिपूर्ण ऐसा लगता था, ये हमारे दो छोटे भाई हैं, उनकी पत्नियां दो हमारी पत्नियां, ये बहुएं हैं, और इस तरह से बहन हमारी,
मतलब इस तरह का भाव और कहीं से भी एक दिन के लिए भी ये नहीं लगा कि हम अपने परिवार से दूर है। यदि हमारी तबीयत खराब हो जाती थी तो ये किशन शर्मा हमारे कहीं सर दबा रहे हैं, कहीं पैर दबा रहे हैं और हमारे लिए खाने की व्यवस्था गंगवा जी कर रहे हैं, चौड़ा जी कर रहे हैं। इस तरह का पारिवारिक माहौल, ये प्रचार, ये आनंद है, ये उठाया हम लोगों ने एक महीने के दौरान। तो मैं ये कहना चाहता था कि हम लोग जब भी प्रचार में जाएं, प्रचार को एंजॉय करें, कोई समस्या नहीं है। प्रचार काम होना अनंद होना ये तो सदगुरु के हाथों में, और सदगुरु मेरा तो अनुभव है 24 घंटे हर क्षण हमारे साथ ही रहता है, वो एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होता है, उसके बगैर तो हम रहते ही नहीं। मैं कानपुर में जब होता हूँ तो शायद सदगुरु थोड़ा बहुत दूर हो जाता हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रचार में जब हम गए एक महीना हम इन लोगों के साथ रहे तो ऐसा लगता था कि रात दिन 24 घंटा सदगुरु हमारे साथ है और हर क्षण वो मदद कर रहा है। और उसके मदद करने का तरीका अलग होता है। भाकरी मांग रहे थे गंगवा जी, भाकरी नहीं मिला, लेकिन उसकी मदद, क्योंकि ऐसा भी रहो, ऐसा भी अपने को ढालो कि कुछ भी मिले खा लो, कहीं भी सोने को मिले सो लो, नहीं सोने को मिले तो जग लो, बहुत अच्छा कार्य हो तो खुश हो, इतना मत हो कि दुख होने पर न कुछ जाने पर बहुत दुखी हो जाओ। तो इस तरह का एक जीवन पद्धति जो प्रचारक की होनी चाहिए वो हम लोगों ने उस एक महीने का, हम हमारा सबसे निवेदन है कि इस तरह के प्रचार कार्य में ठीक है, हमारा उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा काम हो, हर घर में पहुंचे, हर प्रयास हम लोगों ने भी किया, कहीं कुछ छोड़ा थोड़े, लेकिन बड़े आनंद के साथ और कहीं कोई समस्या नहीं समझ में आई।